हेलो चिल्ड्रन, आइए कंटिन्यू करते हैं पाठ 11 प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। बच्चों, अब तक हम ये जान चुके हैं कि प्रकाश एक एनर्जी का सोर्स है जिससे हम अपने आसपास की चीजों को आसानी से देख पाते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि छायाएं क्या है और वो किस तरह से बनती हैं। आज का हमारा टॉपिक है पिन होल कैमरा, यानी कि सूची छिद्र कैमरा। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये एक तरह का कैमरा है। जैसे कि कैमरा आपको इमेजेस दिखाता है क्लिक करने पर, इसी तरह से पिन होल कैमरा में भी हमें इमेजेस यानी कि प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन छाया के रूप में। तो देखते हैं ये सूची छिद्र कैमरा कैसा होता है। ये देखिए, ये सूची छिद्र कैमरा दो बॉक्सों के अरेंजमेंट से बनता है। यहां पर जो सूची छिद्र कैमरा में दो बॉक्सेस होते हैं, वो इस तरह के होते हैं उनका साइज कि एक बॉक्स दूसरे में इजीली फिट होकर स्लाइड करता है, जैसे कि ऐसे। ये देखिए, ये हमारा सूची छिद्र कैमरा है। इसमें इजीली जो है एक डिब्बा दूसरे के अंदर स्लाइड हो रहा है। जो बाहर वाला बॉक्स है, इसमें आगे वाला जो हिस्सा है वो हमने काट दिया है इस डिब्बे का, और पीछे वाले हिस्से पर एक हम छोटा सा छेद बना देते हैं। इसी तरह से जो छोटा वाला बॉक्स है जो अंदर स्लाइड कर रहा था, उसमें भी एक हिस्सा कटा हुआ है, और पीछे वाले हिस्से पर आप यहां से भी देख पा रहे होंगे, यहां पर एक विंडो, एक खिड़की हमने काटी गत्ते की, और उसके ऊपर हमने ट्रेसिंग पेपर को चिपका दिया है इस तरह से। ठीक है, अब जो बड़े वाले बॉक्स के अंदर हमने छोटे वाले बॉक्स को डालना है, ये इजीली स्लाइड कर रहा है। अब मान लीजिए आपको दूर एक पेड़ लगा हुआ है और आपको उसकी इमेज देखनी है, या फिर दूर एक कार खड़ी है उसकी इमेज देखनी है, या सूर्य की इमेज देखनी है, तो आप किस तरह से इस पिन होल कैमरे को यूज करेंगे। आप जो छेद वाला हिस्सा है इसको हम वहां रखेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट को हमने देखना है, उस तरफ को रखेंगे और अपनी आईज को इस कैमरा के अंदर देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे दूर एक पेड़ लगा हुआ है और उसकी इमेज देखनी है, तो हम इस कैमरे के अंदर झांकेंगे ऐसे, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसको स्लाइड करेंगे जब तक कि हमारे अंदर वाले हिस्से की स्क्रीन पर इमेज दिखाई नहीं देती, यानी कि ऐसे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इमेज कैसे बनती है पिन होल कैमरा में। जब आप पिन होल कैमरा से इमेज देखेंगे पेड़ की, तो होता क्या है, पेड़ से जो लाइट रेज हैं वो क्रॉस करेंगी पिन होल कैमरा के अंदर और स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई देगी। यहां पर जो इमेज होगी वो किस तरह की है, साइज आपको छोटा दिख रहा है, पेड़ आपको उल्टा भी दिख रहा है, और इमेज जो है वो वास्तविक दिख रही है, रियल इमेज है। तो जो प्रतिबिंब पिन होल कैमरा से बनते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, दूसरा प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, और तीसरा जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो छोटा होता है। आपको पता है बच्चों, हमारे नेचर में भी एक प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा का काम करती है पेड़। पेड़ों की जो घनी पत्तियां हैं, जब उसके अंदर से सूर्य का प्रकाश निकल के गिरता है तो वह जमीन पर धब्बों के रूप में दिखाई देता है, और वो बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे सूची छिद्र कैमरा ऊपर लगा हुआ हो। आइए एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। बच्चों, हमारे नेचर में भी एक नेचुरल पिन होल कैमरा होता है। ये हम पिन होल कैमरा का फंक्शन देख सकते हैं पेड़ों के नीचे,
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सूर्य की का प्रकाश जब पेड़ों के पत्तों के बीच से गुजरता है तो वह जमीन पर धब्बों के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बिल्कुल पेड़ों की पत्तियों के बीच से आता हुआ प्रकाश पिन होल कैमरा की तरह बिहेव करता है। हाँ, तो बच्चों सूर्य छायाएं बनती हैं तभी जब हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश के सरल रेखा में गमन करने के कारण ही हमें अपने नेचर में इतनी सारी छायाएं जो है वो दिखाई देती हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, अब आपकी बारी। आपने क्या करना है, अपनी किताब के पेज नंबर 111 पर एक एक्टिविटी दी है कैंडल और पाइप वाली, आपने उस एक्टिविटी को पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ये आंसर देना है कि अगर हम मोमबत्ती को सीधे पाइप में नहीं बल्कि पाइप को टेढ़ा कर दें तो क्या आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है। इसका आंसर मेरे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।